हेलो दोस्तों, अगर आप भी इसी वीडियो के तरह अपने एआई वीडियो में टेक्स्ट को लगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और साथ में मेरे इस चैनल सुनील पुष्वरी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एआई वीडियो में टेक्स्ट को कैसे डाल सकते हैं, और वो भी दोस्तों ऑटोमेटिक, आपको कोई भी टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भी दोस्तों अपने किसी भी वीडियो पर ऑटोमेटिक टेक्स्ट को डालना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इतना आसान तरीका को बताऊंगा कि जिसके जरिए आप इजीली बहुत ही आसानी तरीके से अपने किसी भी वीडियो पर ऑटोमेटिक टेक्स्ट को डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपने वीडियो पर ऑटोमेटिक टेक्स्ट को डालने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए दोस्तों हम जाएंगे अपने प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों आपको ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है ऑटोमेटिक सब टाइटल एंड कैप्शन। आप ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों इसके लोगो और नाम को। तो आपको क्या करना है, इसी को डाउनलोड करना है। इसके जरिए आप बहुत ही आसानी से अपने वीडियो पर टेक्स्ट को जेनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने इस एप्लीकेशन में। तो दोस्तों हम जाएंगे अपने इस एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको ये सब देखने से डरना नहीं है, ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। तो आपको सिंपली सी इसे यहाँ पर कट पर क्लिक करना है तो ये हट जाएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर रहेगा क्रिएट प्रोजेक्ट, तो आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपने गैलरी में आ जाइएगा। तो दोस्तों आप अपने जिस भी वीडियो पर ऑटोमेटिक टेक्स्ट को डालना चाहते हैं तो उस वीडियो को यहाँ से ले लीजिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो में डालना चाहता हूँ, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना इंटरनेट को बंद कर लेना है यहाँ से। तो चलिए मैं अपना इंटरनेट को बंद कर लेता हूँ। इंटरनेट बंद करने से यह होगा कि दोस्तों इसमें ऐड नहीं आएगा, नहीं तो दोस्तों इसमें ऐड आकर आपको परेशान कर देगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कब इंटरनेट को ऑन करना है। तो आप सबसे पहले अपना इंटरनेट को बंद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज स्पोकन इन वीडियो, यानी कि दोस्तों आप अपने वीडियो में किस प्रकार के लैंग्वेज के साथ टेक्स्ट को डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपने लैंग्वेज को चुन सकते हैं। इसमें बहुत सारा लैंग्वेज दिया गया है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, अपने वीडियो में हिंदी टेक्स्ट को डालूंगा। तो हम यहाँ से हिंदी को सर्च मार लेंगे, हिंदी। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी आ गया है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और अब दोस्तों आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको अपना इंटरनेट को ऑन कर लेना है। तो चलिए मैं अपना इंटरनेट को ऑन कर लेता हूँ। इंटरनेट ऑन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर लैंग्वेज के नीचे यहाँ पर जो रेड दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से ऑटोमेटिक वीडियो जनरेट हो जाएगा टेक्स्ट के साथ, थोड़ा देर आपको वेट करना है। तो दोस्तों फाइनली मेरा इस वीडियो में ऑटो टेक्स्ट लग गया है, अभी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों मैं जो जो सेटिंग को बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है फोन टू यूज। दोस्तों आप यहाँ से इसके फोन टेक्स्ट फाइल को चेंज कर सकते हैं, तो आप जैसा भी फोन रखना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं इस वाले को रहने देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा फोन कलर, तो आप यहाँ से अपने फोन के कलर को बदल सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से अपने फोन के कलर को बदल लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा फोन साइज, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां से अपने फ़ोन के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये सब आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, अभी फ़िलहाल मैं अपने हिसाब से करता हूं। आप देख सकते हैं कि दोस्तों बढ़ाने पर ये बड़ा हो रहा है। तो यहां से आपको अपने हिसाब से कर लेना है फ़ोन के साइज को बड़ा या छोटा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा फ़ोन स्ट्रोक, तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट में स्ट्रोक को डाल सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा फॉन्ट शैडो, तो आप फॉन्ट शैडो पर क्लिक करके अपने फॉन्ट में शैडो को लगा सकते हैं, तो आप लगा लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट पैरामीटर्स, तो दोस्तों इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। तो चलिए दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि ये दो पर है, तो इसे हम यहाँ से एक पर कर देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है पोजीशन एक्स, तो इसे बढ़ाने घटाने से आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट इधर से इधर जा रहा है, तो मैं फ़िलहाल बीच में कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है पोजीशन वाई, तो हमको क्या करना है, इस बार टेक्स्ट को नीचे लाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा बढ़ा दूँगा। आप देख सकते हैं कि दोस्तों बढ़ाने पर यह नीचे आ रहा है। तो दोस्तों ये सारा सेटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा।
तो इतना सेंड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली से ऐड सबटाइटल्स पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो फाइनली बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए मैं आपको इसे सुनाता हूँ, तो आप सुन सकते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप भी इसी वीडियो के तरह अपने AI वीडियो में टेक्स्ट को लगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और साथ में मेरे इस चैनल सुनील पुष्वरी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों अभी आपने देख लिया कि ये काफी अच्छा तरीके से बन गया है। और दोस्तों अगर आपको इसमें लगता है कि मेरा ये टेक्स्ट गलत लिखाया है, तो आप उसको यहाँ से सुधार भी सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी टेक्स्ट आपको लगे कि गलत लिखाना है उस पर क्लिक करना है। मान लीजिए दोस्तों मेरा यहाँ पर आ रहा है AI, और मान लेते हैं कि ये गलत है, तो इसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप इस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं, और इस टेक्स्ट को एक स्पेशल अलग से कलर भी आप दे सकते हैं। और आपको जो भी लगता है कि ये गलत लिखा है, तो आप यहाँ से इसको सही से लिख सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये इंग्लिश में लिखना है, तो आप यहाँ से इंग्लिश में भी इसे लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं इसे इंग्लिश में लिख देता हूँ, और मैं इसके कलर को रेड कर देता हूँ, और इसके फॉन्ट स्टाइल को यहाँ से हम चेंज कर देंगे। तो आप अपने हिसाब से ये सब कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब चलिए फाइनली मैं एक बार फिर से आपको सुना देता हूँ। हेलो दोस्तों, अगर आप भी इसी वीडियो के तरह अपने AI वीडियो में टेक्स्ट को लगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और साथ में मेरे इस चैनल सुनील पुष्वरी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों फाइनली ये अभी अच्छी तरीके से बन गया है। अब हमको क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है। तो इसके लिए दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डाउनलोड का सिंबल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वीडियो आपके मोबाइल में चला जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आप इस वीडियो को फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ में चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।